से जहां पर शहर के नजदीक इलाके में यूएवी गिरा है। अमर शहीद सागरमल गोपा कॉलोनी के पास एक यूएवी गिरा है। अभी तक कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। एक यूएवी गिरा है शहर के नजदीक इलाके में ही, और जैसे ही जानकारी लोगों को मिली एक बहुत बड़ा धमाका भी हुआ। जैसलमेर से इस वक्त की बड़ी खबर है, लोगों में फिलहाल अभी सनसनी फैल गई है। हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर किस वजह से है, कोई किसी की शाते चाल तो नहीं, लेकिन अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। और सबसे खास बात इसमें ये देखने को है कि यहाँ पर कोई जनहानि नहीं हुई है। सूर्यवीर हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं सीधा रुकुन की तरफ। सूर्यवीर, अभी तक क्या कुछ जानकारी? जी, मैं आपको बता रहा हूं कि जैसलमेर की रहवासी कॉलोनी है यूआईटी की, जो उस कॉलोनी के भीतर आसपास के इलाके में है। जो यूएवी ड्रोन है, वो जो मानव रहित है, वो मानव रहित ड्रोन है, वो गिरने की सूचना है वो सामने आ रही है। और लगातार जिस तरीके से ड्रोन गिरने की सूचना के बाद जिस तरीके से एयरफोर्स है वो अलर्ट हो गई है इलाके में, उसका सर्च अभियान चलाया जा रहा है कि किस इलाके में है वो यूएवी ड्रोन है वो गिरा है। फिलहाल जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन की टीम, एयरफोर्स की टीम तमाम है, वो मौके पर है, वो सर्च अभियान चला रही है कि किस जगह यूएवी जो ड्रोन मानव रहित है वो गिरा है। क्योंकि आए दिन जिस तरीके से जो सीमावर्ती क्षेत्र पड़ता है, तो सीमावर्ती क्षेत्र होने के लगे यूएवी जो विमान है वो मॉनिटरिंग के लिए जो है वो काम आता है लगातार जिस तरीके से, तो मॉनिटरिंग के लिए अपनी रूटीन एक्सरसाइज के लिए वो जो उड़ान भरता है, तो तकनीकी खराबी के कारण है वो जो उसका मिस कंट्रोल हो जाता है, और मिस कंट्रोल होने के वजह से अनबैलेंस होकर वो रहवासी कॉलोनी के आसपास नदी के इलाके में है वो गिर गया है। फिलहाल जिस तरीके से सर्च अभियान चलाया जा रहा है, अब थोड़ी देर में एयरफोर्स की टीम जो है मौके पर पहुंच चुकी है। सूर्यवीर, आपने बताया कि मानव रहित ये ड्रोन होता है और सीमावर्ती इलाके में गिरा है, इसके अलावा ये मॉनिटरिंग करता है रूट्स की, तो और ज्यादा चिंता का विषय, कुछ ट्रेस किया गया, कोई जानकारी मिल पाई? जी बिल्कुल, जिस तरीके से रूटीन एयरफोर्स के अधिकारियों का कहना है कि रूटीन जिस तरीके से अपने लिए जो मानव रहित विमान है वो उड़ान भरा था उसने, जिस तरीके से ड्रोन वो टो ले रहा था, तो टो लेने के दौरान जिस तरीके से उसका सिग्नल है वो अचानक टूट गया और वो तकनीकी खराबी आने के कारण वो अनबैलेंस होकर है वो आसमान से नीचे जा गिरा। और जिस तरीके से नीचे गिरते ही जैसलमेर के अमर शहीद सागरमल गोपा जो इलाका है उस इलाके के आसपास है वो ड्रोन गिरने की है सूचना है वो सामने है वो आ रही है। लगातार जो एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस है वो उसको सर्च कर रही है कि किस इलाके में गिरा है, और फिलहाल थोड़ी देर में गिरने के बाद एयरफोर्स के अधिकारी ही इस बात की पुष्टि कर पाएंगे वो किस तरीके से यूएवी विमान था, किस लिए वो काम आता था, वो तमाम जो जानकारी है वो एयरफोर्स अधिकारियों का कहना है कि पुष्टि होने के बाद है वो दी जाएगी। जी तो सूर्यवीर, अभी तक ये पुष्टि नहीं हो पाई क्या ये बॉर्डर पार का यूएवी है? नहीं, फिलहाल जिस तरीके से एयरफोर्स के अधिकारी यहाँ पर मौके पर है वो सर्च अभियान चलाया जा रहा है, और जिस तरीके से रोज रूटीन अभ्यास के दौरान ये जैसलमेर से ही है, उसने टो विमान ने टो भरा था और उड़ान भरी थी यूएवी विमान ने, जिस तरीके से क्योंकि बॉर्डर का इलाका है तो आए दिन जिस तरीके से अभ्यास या सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है ये क्षेत्र माना जाता है, तो आए दिन जिस तरीके से टो लेता रहता है विमान आसपास के इलाके में, क्योंकि ड्रोन है और इलाके में किस तरीके से कोई अनैतिक गतिविधियां है वो ना हो, तो उसको लेकर टो ले रहा था। उस टो में सिग्नल घटने की वजह से, अनबैलेंस होने की वजह से वो नीचे जा गिरा है, और ये भारतीय सेना का, वायुसेना का ही है ये यूएवी विमान बताया जा रहा है। जी ठीक है, चलिए इससे चिंता थोड़ी कम होती है कि भारतीय सेना का ही यूएवी है और तकनीकी खामी की वजह से गिरा है। और सबसे राहत की बात सूर्यवीर ये कि यहां पर कोई भी जनहानि नहीं हुई है। जैसलमेर से एसपी भंवर सिंह नाथावत हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। भंवर सिंह जी, स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया में। यूएवी गिरा है, मानव रहित है, लेकिन आपसे ज्यादा जानकारी जानना चाहेंगे। ये रिमोट पायलटेड एयरक्राफ्ट है। जी रिमोट पायलटेड है, वहाँ के जो एयरफोर्स के ऑफिसर्स हैं, इंजीनियरिंग के ऑफिसर्स हैं और अपने एयरफोर्स पुलिस के ऑफिसर्स हैं, ऑफिसर्स हैं वहाँ पर, तो खोजबीन कर रहे हैं और ये ड्यूरिंग रूटीन ट्रेनिंग का बता रहे हैं, और टोटल वो इंक्वायरी करेंगे, टोटल कंडक्ट इंक्वायरी करने के बाद ही पूरी स्थिति साफ हो पाएगी। सर, ये पुष्टि हो गई है कि भारतीय सेना का ही ड्रोन है? रिमोट पायलटेड एयरक्राफ्ट फोर्स का ही है, एयरफोर्स का ही है, वहाँ मौजूद है अधिकारी है, मौजूद है, देख रहे हैं। मुख्य ये किस काम के लिए आता है सर? ये बिल्कुल मानव रहित था, वो पूरी बात तो वो पूरी इंक्वायरी करने के बाद पता पाएंगे, लेकिन ये ड्यूरिंग रूटीन ट्रेनिंग के टाइम का था जी। और मानव रहित ही है ये, अनमैन्ड
चलिए, ये इससे थोड़ी चिंता कम होती है सर, ये जानने के बाद। हालांकि बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट देने के लिए। सूर्यवीर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। खबर